हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन सिंपली रूप। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा हेयर सीक्रेट जिसको मैंने यूज किया है और उससे मेरे बाल जो है वो हेल्दी तो हुए हैं, मतलब बालों का वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ है, लंबे भी हुए हैं और हेयर फॉल 0%। कैन यू इमेजिन 0% हेयर फॉल। ये सीक्रेट तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन वीडियो को पॉज करके ना पहले इधर राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक जरूर कर दे अगर अभी तक नहीं किया तो, और वीडियो के एंड तक जरूर देख लेना। अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी जरूर कर देना। सो सीक्रेट की अगर मैं बात करूं कि मैंने अपने बालों को किस तरह से इतना हेल्दी, इतना घना और इतना लंबा कर लिया है, और अगर आप मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आप, या फिर आप मेरी पुरानी वीडियोस में मेरे बाल देख सकते हो तो आपको पता लग ही जाएगा कि मेरे बालों में कितना ज्यादा फर्क पड़ा है। आपके सामने है मेरे बाल, आप देख सकते हो, यू कैन सी। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो केमिकल ट्रीटमेंट्स का चल रहा है। हमने अपने बालों का सत्यानाश किया हुआ है इन केमिकल ट्रीटमेंट से। नो डाउट बाल अच्छे हो जाते हैं, कोई कभी हाइलाइट्स, कभी कलरिंग, कभी स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, पता नहीं क्या क्या, लेकिन एक कॉमन एलिमेंट उन सब में होता है, दैट इज केमिकल्स। केमिकल्स तो होते ही हैं जो क्या करते हैं, हमारे बालों का जो हेयर शाफ्ट होता है ना, जिससे हमारे बाल निकलते हैं, उसको वो लूज कर देते हैं। अब लूज होता है तो बाल क्या होते हैं, हम कई बार ऐसे भी करते हैं ना, ऐसे बाल निकलते हैं, इस तरह से करते हैं बाल निकलते हैं। बालों की हेल्थ जो है वो भी खराब होती है, बाल ब्रिटल, ड्राई, फ्रीजी, रूखे सूखे से झाड़ू जैसे हो जाते हैं। तभी आपने कभी नोटिस किया होगा, जब भी हम केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो जो हेयर एक्सपर्ट्स होते हैं, सैलून वाले होते हैं, तो हमें वो एक पूरा पैकेज दे देते हैं बॉटल्स का, ये आपने शैम्पू लगाना है, ये कंडीशनर लगाना है, ये मास्क लगाना है, जो कि हार्श ना हो आपके बालों के ऊपर, आपके स्कैल्प के ऊपर। कि अगर आप नॉर्मल शैम्पूज यूज करोगे तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा आपके बालों का, तो वो बालों को की शाफ्ट्स को टाइट नहीं करेंगे, लेकिन वो उनको और खराब नहीं होने देंगे। अब या फिर अगर आपने केमिकल ट्रीटमेंट नहीं भी करवाया, हमारा डेली रूटीन इज नॉट गुड, हमारा स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न, बाहर पोल्यूशन, विच इज ऑल्सो अफेक्टिंग अवर हेयर हेल्थ, अगर हमारे वर्जिन हेयर भी हैं तो, तब भी हमारे हेयर फॉल हो रही है, बाल हेल्थी नहीं है। तो इस चीज का सोल्यूशन एक है कि हम अपने हेयर शाफ्ट्स को दोबारा से टाइट कर लें, ताकि हमारे बालों में ग्रिप आए, हमारे बाल मजबूत, हेल्दी और हमारे बालों का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। सो इसके लिए ये जो मैं आपको पूरा एक हेयर केयर रिजीम बताने लगी हूँ, इसको आपने 3 वीक्स रेगुलर करना है। चाहे हफ्ते में एक बार सिर धोते हो, चाहे आप 2 बार धोते हो, या फिर आप 3 बार धोते हो, जब भी आपने हेयर वॉश करना है तो उससे पहले ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी। ये जरूरी है, तभी आपके जो बाल हैं, धीरे धीरे आपका जो स्कैल्प है वो हेल्दियर होगा और आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और 3 हफ्तों के बाद आप इसको आफ्टर 1 वीक भी कर सकते हो, मतलब हफ्ते में एक बार कर सकते हो। मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जैसे करते जाओगे ना, आपको खुद को रिजल्ट्स दिख जाएंगे। मैं क्या बोलूं अब इसमें, मेरे सामने, मतलब मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल खड़ी हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि क्या है मेरा हेयर सीक्रेट। तो ये मैं रात को सोने से पहले कर रही हूँ। मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। आप कोई भी तेल ले सकते हो जो आपको सूट करता है, लेकिन फॉर बेस्ट रिजल्ट्स मैं मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल ही रिकमेंड करूँगी। और इसको आपने बालों की जड़ों पे लगा लेना है अच्छी तरह से, मतलब आपने मसाज करनी है। और ये मैं रात को कर रही हूँ। आप ये अगर आप रात को नहीं करना चाहते हो तो आप एटलीस्ट, आपने जब सिर धोना है ना, सिर धोने से कम 5 to 6 आवर्स का आपके शैम्पू में और ऑयलिंग में गैप होना चाहिए। तो ये मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है और बालों को टाई करके नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये मैं नेक्स्ट मॉर्निंग कर रही हूँ। मैं ले रही हूँ फ्रेश एलोवेरा जेल। आप अगर आपके पास ताजी एलोवेरा जेल नहीं है, मैंने तो जो पत्तियाँ होती हैं ना एलोवेरा जेल वाली, उनमें से जेल निकाली, अगर नहीं है तो आप मार्केट वाली अच्छी क्वालिटी की जो नेचुरल हो तो वो वाली ले सकते हो, ठीक है जी। अब इसको आपने अपने बालों के जड़ों पे भी लगाना है और अपने बालों पर भी लगाना है, जैसे हम हेयर मास्क लगाते हैं, मतलब फ्रॉम रूट टू टिप आपने अच्छी तरह से भर भर के ये एलोवेरा जेल जो है लगा लेनी है। बस इसको आपने लगाकर
15 मिनट सिर्फ रखना है, 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। बस 20 मिनट्स के बाद आपने अपने बालों को शैम्पू कर देना है। ये आपने रेगुलर करते हैं, जितनी बार भी आप शैम्पू करोगे ना उतनी बार ही आपने ये आपने फुल स्टेप्स दोनों करने हैं। बस मैं अब बालों को शैम्पू करूँगी एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और एक बात का ध्यान आपने ज़रूर रखना है, आपने ऑयल और एलोवेरा जेल को इकट्ठे मिक्स करके नहीं लगाना, मतलब ये रात को ऑयलिंग और मॉर्निंग में आपने एलोवेरा जेल का करना, मतलब दोनों में एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स का गैप होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों चीजों को जब इकट्ठे, मतलब जो असर उसने इंडिविजुअली करना है ना ऑयल ने या फिर एलोवेरा जेल ने, जब हम उसको मिक्स करते हैं तो वो दोनों आपस में इतना वर्क नहीं कर पाते हमारे बालों पर ज्वाइंटली, इसलिए मैंने इंडिविजुअली बोला। और इस तरह से करने से आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जरूर ट्राई करना, आपके बालों की ग्रोथ क्वालिटी, आपकी हेयर फॉल, आपको जब खुद रिजल्ट्स मिलेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि दिस इज माय रिजल्ट, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। सो दिस वाज माय होल वीडियो ऑन हेयर केयर रिजीम, होपफुली आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल।